शनि को न्याय और कर्मफल का देवता माना जाता है। शनि को प्रसन्न करके व्यक्ति जीवन के कष्टों को कम कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी कभी ग्रहों में किसी तरह का कोई बदलाव होता है तो इसका सीधा असर हमारी राशि पर पड़ता है, जिस वजह से कुंडली पर शनि बैठ जाते हैं और ऐसे में व्यक्ति के जीवन में दुख भी आ सकते हैं और खुशियाँ भी आती हैं। आपको बता दें कि 22 मई 2020 को ज्येष्ठ महीने की अमावस्या होने से इस दिन शनि जयंती मनाई जाएगी। शनि के साथ बृहस्पति मकर राशि में रहेगा। ग्रहों की ऐसी स्थिति 21 मई 1048 को बनी थी। अब ऐसा संयोग अगले 500 साल तक नहीं बनेगा। आपको बता दें कि 972 साल बाद शनि चार ग्रहों में एक साथ रहने वाले हैं, जिससे देश में कुछ अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, वहीं कुछ बुरे असर भी पड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इस बार शनि जयंती पर चार ग्रह एक ही राशि में होंगे। शनि के साथ बृहस्पति मकर राशि में रहेगा। वहीं विश्व में भारत की प्रसिद्धि बढ़ेगी। विश्व के दूसरे देश भारत को सहयोग करेंगे। देश में न्याय और धर्म बढ़ेगा। बड़े प्रशासनिक पदों की जिम्मेदारी निभा रही महिलाओं का प्रभाव बढ़ेगा। मजदूर वर्ग और निचले स्तर पर काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय आएगा। अनाज और खाने की अन्य चीज़ों का उत्पादन बढ़ेगा। वहीं आपको बता दें कि शनि जयंती पर वृषभ राशि में सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र एक साथ रहेंगे। इन चार ग्रहों के कारण देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। दरअसल इससे पहले ग्रहों की ऐसी स्थिति 21 मई 1048 को बनी थी। अब ऐसा संयोग अगले 500 सालों तक भी नहीं बनेगा। शनि जयंती पर्व पर भगवान शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही काला कपड़ा भी चढ़ाएं। साथ ही शमी के पेड़ के पत्ते और अपराजिता के नीले फूल पूजा में शामिल करने चाहिए। तिल, उड़द, काला कंबल, बादाम, लोहा आदि का संध्या के समय दान करना चाहिए। ये खबर हिंदू पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं से प्रेरित है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, संप्रदाय, धर्म की भावना को आहत करना नहीं है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।